हाय फ्रेंड्स वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम हमारा मानना यह है कि सम मूवीज आर सो परफेक्ट कि उनको रीमेक करना खुद में एक क्राइम है और बॉलीवुड ने यह क्राइम एक बार नहीं कई बार किया है सो टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट फाइव इंस्टेंसेस व्हेन बॉलीवुड स्पॉइल्ड इट्स क्लासिक मूवीज बाय रीमेकिंग दम सो लेट्स बिगिन लिस्ट में सबसे पहली मूवी है जंजीर साल था नाइनटीन सलीम जावेद जी की जोड़ी ने एक फिल्म के लिए कहानी लिखी प्रकाश मेहरा जी ने उसे डायरेक्ट करने का डिसाइड किया पर जब एक्टर्स को इस मूवी के लिए अप्रोच किया गया तो बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि धर्मेंद्र जी 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 राजेश खन्ना साहब और देवानंद ने ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया तब प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन जी को जंजीर में विजय का रोल ऑफर किया मिस्टर बच्चन इस फिल्म से पहले इंडस्ट्री में कोई इतना बड़ा नाम नहीं थे बट जंजीर प्रूव टू बी अ गेम चेंजर फॉर हिम और उन्हें एंग्री यंग मैन का टाइटल भी इसी फिल्म से मिला देर वर सम वेरी आईकॉनिक डायलॉग्स इन दिस मूवी कौन भूल सकता है ऐसे डायलॉग्स जब तक बैठने को कहा ना चाहे शराफत से खड़े रहो ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं गूस बम्पैन गई नो आई वॉज रियली बैड विद दिस डायलॉग डिलीवरी प्लीज पार्डन मी फॉर दैट फिर साल आया दो हजार तेरह और बॉलीवुड को लगा चलो इस फिल्म की वाट लगाए एंड देर रीमेड जंजीर विध रामचरण एंड प्रियंका चोपड़ा और शेर खान के रोल में हमें संजय दत्त नजर आए थे अपूर्व लाखिया ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एंड दिस फिल्म वॉज हिंदी एंड तेलुगु यह फिल्म इतनी बुरी थी दैट सम रिव्यूअर्स जैसे कि राजा रीडिफ डॉट कॉम उन्होंने नई जंजीर को जीरो रेटिंग दी थी एंड दिस मूवी वॉज अ बिग फ्लॉप अमंग द व्यूअर्स क्या आप लोगों ने नई जंजीर देखी है इफ यस डू गिव अस योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन सेकेंड मूवी ऑन द लिस्ट इज कर्ज कर्ज सुभाष गाय द्वारा डायरेक्टेड 1980 में रिलीज हुई एक रोमांटिक थ्रिलर थी इसमें द लेट ऋषि कपूर और टीना मुनीम मेन प्रोटेगनिस्ट के रोल में नजर आए थे इसमें सिमी गरेवाल जी ने एक आइकॉनिक रोल निभाया था एस कामनी वर्मा हम में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये मूवी ना देखी हो इस फिल्म का म्यूजिक इतना एवरग्रीन है कि आज भी इसके गाने यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे बहुत लोगों द्वारा सुने जाते हैं फिल्म का बीजीएम आज भी वन ऑफ द बेस्ट है कर्ज में सब कुछ था डबल क्रॉसिंग री इनकारनेशन या पुनर्जन्म एंड एवरग्रीन म्यूजिक सो कर्ज खुद में एक कंप्लीट फिल्म थी फिर आया साल 2008 और सतीश कौशिक जी ने कर्ज का रीमेक बनाया बट इस बार विद टू एक्स्ट्रा जेड इन द नेम ऑफ द मूवी और सोने पे सुहागा यह था कि ऋषि कपूर के रोल में अब हिमेश रेशमिया थे बट नई कर्ज जानी जाती है क्रिंजवर्दी एक्टिंग और बिलो एवरेज म्यूजिक के लिए जो आज किसी को भी याद नहीं सो ऑल इन ऑल 2008 में आई कर्ज की रीमेक वॉस क्वाइट एन एम्बेसिंग फिल्म टोटली लिस्ट में तीसरी फिल्म है हिम्मतवालाइनटीन एटी थ्री में आई हिम्मतवाला एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म है स्टारिंग जितेंद्र एंड श्रीदेवी जी यह एक तेलुगु मूवी और राखी मोनोगाडू का रीमेक थी हिम्मतवाला को के राघवेंद्र राव ने डायरेक्ट किया था और यह नाइनटीन की वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक थी हिम्मतवाला श्रीदेवी जी के लिए एक ब्रेक थ्रू फिल्म थी जिससे कि श्रीदेवी जी रोस्ट स्टारडम इन बॉलीवुड नैनो में सपना गाने पे श्रीदेवी जी का डांस यंग गर्ल्स में एक क्रेज था 1980s में 20 साल बाद 2013 में साजिद खान ने बहुत हिम्मत दिखाई और बना डाला हिम्मत वाला का रीमेक विद अजय देवगन एंड तमन्ना भाटिया वेल well, इस हिम्मत वाला की अगर बात करें तो ये अजय देवगन की फिल्मोग्राफी में सबसे वर्स्ट फिल्म थी इस मूवी को देखकर यूं लगा कि साजिद खान वाज इन डीप स्लम्बर फॉर ट्वेंटी इयर्स। क्योंकि उन्होंने 1983 में रिलीज हुई मूवी को 20 साल बाद स्क्रीन बाय स्क्रीन कॉपी किया समटाइम्स मेकर्स भूल जाते हैं कि कुछ मूवीज इसलिए हिट होती हैं क्योंकि वो सही टाइम पे रिलीज हो सकी थी वैसे भी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर फ्रॉम साजिद खान आई गेस नेक्स्ट मूवी ऑन द लिस्ट इज उमराव जान इन आंखों की मस्ती के मस्तानी हजारों जब ये गाना सुनते हैं तो क्या आपको रेखा जी की अदायगी याद आती है अगर हाँ देन दैट्स बिकॉज उनकी एक्टिंग इतनी इनफेक्शियस थी उमराव जान में उमराव जान रिलीज हुई थी 1981 में और उसे मुजफ्फर अली जी ने डायरेक्ट किया था रेखा जी इस फिल्म की स्टार परफॉर्मर थी क्योंकि उन्होंने उमराव जान की मेलेंकलिक लाइफ इमोशंस और ट्रेजिडी को उम्दा तरीके से पर्दे पे निभाया था यह रियली एक कल्ट मूवी है आज के टाइम पे भी चाहे जे पी दत्ता जी ने क्लेम जरूर किया था कि 2006 में आई उनके द्वारा डायरेक्टेड उमराव जान मुजफ्फर अली की मूवी का रीमेक नहीं है बट इंस्पायर्ड है फ्रॉम द नावल उमराव जान अदा रिटन बाय मिर्जा हादी रुसवा लेकिन 2006 की उमराव जान में काफ़ी ग्लिम्पसेस थे 1981 वाली उमराव जान के इस मूवी में ऐश्वर्या राय प्लेड द मेन लीड दो शी टाइड अलॉट बट शी वॉज नो मैच फॉर रेखा करिश्मा इन दी ओरिजिनल एक्चुअल में ये रीमेक काफी बोरिंग अटेम्प्ट था एंड इट फेल्ड मिजरेबली एट द बॉक्स ऑफिस इस मूवी का रन टाइम था आवर्स ये भी एक कारण था फॉर इट्स फेलियर बिकॉज काफी आउट था लास्ट मूवी ऑन द लिस्ट एस राम गोपाल वर्मा की आग हमें नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई और ब्लंडर मूवी मेकिंग की हिस्ट्री में हुआ होगा जहां शोले जैसी एक क्लासिक माइलस्टोन मूवी को रीमेक करके आग जैसी एक थर्ड ग्रेड मूवी बनाई गई क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कि राम गोपाल वर्मा की आग की आई रेटिंग क्या है इफ यस yes, तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिखें पहली बात तो यह ये कि राम गोपाल वर्मा को क्या सूझी कि शोले का रीमेक बनाया जाए 2007 में आई ये फिल्म उस डेकेड की सबसे बड़ी फ्लॉप रही उसका मेन कारण था लवजी डायरेक्शन वियर्ड कैमरा एंगल्स एंड स्क्रीन प्ले रिजल्टिंग इन सिवियर हेड एक आई एम रियली सरप्राइज यस मैं हैरान हूँ जी कि बिग स्टार्स लाइक मोहनलाल जी अमिताभ बच्चन सर और अजय देवगन को राम गोपाल वर्मा ने वर रियली एंग्री ऑन राम गोपाल वर्मा फॉर डूइंग दिस इसीलिए आई पे डीवी राम गोपाल वर्मा की आग की रेटिंग 1.4 है कैन इट गेट वर्स दिस सो यहां खत्म होता है हमारा ये वीडियो अगर आपको इन मूवीज के अलावा और कोई मूवीज भी पता हैं जहां दे हैव बीन रोइंड बाय डूइंग अ रीमेक प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें टिल द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय डियर फ्रेंड्स